प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि 4.5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदृष्टि एवं प्रशासनिक कौशल से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गाँव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान सहित सभी के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं। चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जिसकी पहचान विकसित प्रदेश के रूप में हो रही है। अब उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाता है। एक जनपद एक उत्पाद योजना की परिकल्पना को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। जनपद अपने अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जाने जा रहे हैं। उत्पादों को नया बाजार मिला और जनपद में उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही रोजगार में भी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जहां लंबे समय से बंद चल रहे फर्टिलाइजर को नए सिरे से निर्मित कराने की कार्यवाही की है, वहीं बेहतर जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत एम्स की स्थापना भी की गई है, जिससे लोगों को सर्वसुलभ इलाज उपलब्ध होगा। एम्स में ओपीडी का कार्य शुरू करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त चीनी मिल को गन्ना किसानों के हित में तथा रोजगार के दृष्टिगत चालू किया गया है, जिससे बेरोजगार नौजवानों का पलायन रुकेगा। इस समय गोरखपुर शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जनपद में विगत 4 वर्षों में अनेक परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें कुछ परियोजना पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ पूर्ण होने के करीब हैं, जिसमें दिसंबर तक 300 योजनाएं पूर्ण होने की आशा है। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जनपद का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने समाज कल्याण विभाग की भी योजना की जानकारी दी। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी के एम मजवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, आपको पता है कि आज के दिन 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के सरकार का पूरा हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदृष्टि एवं प्रशासनिक कौशल से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान सभी के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। चिकित्सा संस्थानों में स्थापना एवं संचालन में प्रदेश अग्रणी है, जिसकी पहचान विकसित प्रदेश के रूप में हो रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना का परिकल्पना को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। जनपद अपने अपने विशिष्ट उत्पादों से के लिए जाने जा रहे हैं। उत्पादों को नया बाजार मिला और जनपद के उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग के लिए साथ ही रोजगार में भी वृद्धि हुई है। अब इस प्रकार से पूरे देश भर, प्रदेश भर में अनेक प्रकार की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, अमृत योजना, एम्स जो बहुत बड़ा एक बड़ा औषधीय व्यवस्था के नाते गोरखपुर में सम्मिलित हो रहा है, नमामि गंगे परियोजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, महिला सुरक्षा एवं विकास योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, प्रकाश पथ योजना,
ऊर्जा क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनाएं जो हमारे यहाँ बीच में कभी नहीं होती थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौशल भारत योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, इस प्रकार से इतनी योजनाएं जिसको गिनाया जाए तो बहुत देर तक लगेगा। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सब पता है, और इसलिए मैंने कहा कि अनेक योजनाओं से आच्छादित करके 4.5 साल में जो स्थिति बनी है, ये अब तक आज़ादी के पहले से और हमारी सरकार आने के बीच में अब तक कोई नहीं पड़ा। इसलिए योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 4.5 साल की वजह से आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं तो कुछ और योजनाओं के बारे में, जैसे गोरखपुर में 450 ऐसे योजनाएं हैं, और हमारे साथ तो ऐसा है 250 योजनाएं ऐसी हैं जो गोरखपुर के और शहर के लिए हुआ है। प्रदेश में किसी रूप से कहीं वंचित नहीं रखा गया है। 323 करोड़ की लागत से मोहम्मदीपुर से और जंगल कौड़िया 4 लेन का सड़क का निर्माण, 269 करोड़ का 56 लाख का लागत से शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का निर्माण, 196 करोड़ 57 लाख की लागत से रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण का अभियान, अमृत योजना के तहत 101 करोड़ 81 लाख की लागत से गोरखपुर सीवेज जोन A1 दक्षिण लोअर पार्टी से भाग का निर्माण, 1227 करोड़ की लागत से अमृत योजना का तहत गोरखपुर सीवेज जोन का निर्माण, 62 करोड़ 79 लाख की राष्ट्रीय निर्माण पेयजल की योजना का निर्माण, 57 करोड़ 63 लाख लागत से गोरखपुर न्यायालय के टाइप 5 के आवासीय भवनों का निर्माण, 5279 करोड़ के लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, 45 करोड़ की लागत से 3 लाख की लागत से 45 करोड़ 3 लाख के लागत से 750 राजीव आवासों का निर्माण, 43 करोड़ 7 लाख की लागत से 24 न्यायालय कक्षों का निर्माण। इस प्रकार से हम लोग लगता है जमीन से लेकर के आसमान तक कोई ऐसी योजना नहीं बची जो गोरखपुर में नहीं आई हो। हमको लगता है आने वाले दिन में जब इसका सर्वे किया जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के साथ साथ हाई सिटी के रूप में माना जाएगा। कोई भी ऐसी सुविधाएं जो है उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर में न लागू की गई हो, हम उत्तर प्रदेश भर में और देश भर में अनेक प्रकार की योजनाएं लागू करके किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की योजना अगर हमें पढ़ा जाए तो घंटों लगेगा। इसकी कापी मैं आप लोगों को दिला दे रहा हूँ, आपको मिल गई होगी। इसलिए हम आपसे 4.5 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 70 सालों में नहीं हुआ था वो सब पूरा करके आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में पूरा देश बढ़ रहा है, देश के साथ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बन करके रहेगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आइए हम सब मिल करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करें। कुछ मामला है जब बता दें, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ से अब तक 1,34,000 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए 1917 से लेकर अब तक 4,22,000 से ज़्यादा परिवारों को लाभांवित किया गया। 2017 से अब तक, अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन अभी माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों द्वारा बढ़ाया जा रहा है, और 55,97,000 ऐसे लोगों को नया वृद्धा पेंशन दिया गया है, जो अभी तक 5 लाख तो ऐसे थे जो पहली बार दिया गया उनको अभी तक नहीं मिलने वाला था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हुआ है। छात्रवृत्ति जो अब तक अटकी थी वो सारी व्यवस्था पूरी की जा रही है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होती है,
को योजना अंतर्गत 30,000 रुपया मुफ्त आर्थिक सहायता के लिए बैंक खातों में DBT के माध्यम से चेक अंतरित कर दिया जाता है। अत्याचार से प्राप्त 91,600 परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। इसमें हम लोग आगे अग्रणी काम कर रहे हैं। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को संचालन कोरोना के चक्कर में कुछ बीच में हो गया था, लेकिन आजकल वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े जाति के बच्चों को जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, स्मार्ट क्लास के माध्यम से, CBSE बोर्ड के माध्यम से अनेक प्रकार की उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। खाने कपड़ा व्यवस्था करने का बहुत कुछ। पूर्व परीक्षा केंद्र पहले ऐसा होता था कि गरीब घर के जो ट्यूशन पढ़ाने वाले होते थे, कोचिंग कराने वाले होते थे, गरीब घर के लड़के नहीं पढ़ जाते थे। 7 ऐसे स्थान पर हमारा कोचिंग सेंटर चल रहा है जो गरीब बच्चों के लिए फ्री व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए रहने की, खाने की, किताब की, कॉपी की सारी व्यवस्था की जा रही है। और गोरखपुर में भी अब खुल गया है, बहुत जल्दी उसका चालू करा करके माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन कराएंगे। अच्छा, इसके लिए फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना और चलाई है, माननीय मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना। हर कम स्तरी पर इस पर हमारी योजना चल रही है। जिस बच्चों को पढ़ाई में सुविधा नहीं मिल पाती थी, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, खान पान की व्यवस्था नहीं हो पाती, पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, अच्छे पैसा दे करके बड़े कोचिंग सेंटर पे नहीं जा सकते थे, उनके लिए प्रत्येक कमिश्नरी स्तर पे इसकी योजना चालू कर दी गई है। ऑनलाइन अभी तक व्यवस्था की जा रही है और इसको हम जिले के कमिश्नरी से नीचे भी लाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना यह है जो हर बच्चों को निःशुल्क सारी व्यवस्था करने के लिए उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार हर क्षेत्र में हर प्रकार से व्यवस्था बना करके सभी लोगों तक उसका सुविधा कैसे पहुंचती है, कैसे व्यवस्था होती है, उसके लिए आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अवतरित हैं, व्यवस्थित हैं। हम तो कहता अवतार हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए। अब ऐसा राम राज्य जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुक नहीं व्यापा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं अबुद्ध नहीं लक्षण हीना, सब सुंदर सब सुभक्त धीरा, जो तन पाए भजन रघुवीरा। ऐसे परिकल्पना को साकार करने के लिए आदि मोदी जी के नेतृत्व में, आदि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। अब आने वाले दिन में आप सबका भी सहयोग चाहते हैं, आप सबका भी आशीर्वाद भी चाहते हैं कि हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ कोई कमी रह गई होगी, आपका सुझाव अगर आ जाएगा तो हम जानते हैं उस काम को आगे करने के लिए एक सुविधा मिल जाएगी, एक व्यवस्था मिल जाएगी। आइए हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए करें। ये इतनी किताबें हैं तो उसमें उनके देख रेख में सारी व्यवस्था, स्वास्थ्य के बारे में चाहे अन्य प्रकार के बारे में, जैसे गरीबों को हमने कहा है कि ये कोरोना के दौरान का ये व्यवस्था होने के बाद में सभी लोगों को फ्री अनाज दिया जाएगा। ये देखते हैं एक अनोखा कार्यक्रम है जो कभी किसी को नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था। बाढ़ के क्षेत्र में जैसे व्यवस्था हो गई, सब जगह चौकियाँ बन गई, सारी व्यवस्था बन गई। अब जिलाधिकारी महोदय हमारे होंगे, बताएंगे कितना कितना दिया जाएगा, उसकी सारी प्रतिपूर्ति करेंगे, व्यवस्था करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आप देखो बंद हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड कर दिया, सारी व्यवस्था हो रही बंद।